अच्छा भैया, स्टार्टिंग में द ग्रीडी सर्स इसी प्रॉब्लम को ले रहे हैं, रुसल नोवे की जो रोमानिया वाली प्रॉब्लम है। हमारे पास ग्राफ गिवन है, ग्रीडी सर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ए से हमारे पास तीन रास्ते हैं, बी सी एंड ई। ग्रीडी सर्च इज़ द सेम एज़ बेस्ट फर्स्ट सर्च, यानी कि हम सिर्फ ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को देख के डिसीजन ले रहे होंगे कि हमें किस पाथ को फॉलो करना है। तो हमारे पास तीन रास्ते हैं, बी सी एंड ई। तीनों के ह्यूरिस्टिक्स वैल्यू यहाँ ब्रैकेट्स में गिवन है, क्योंकि हमारा वैल्यूएशन फंक्शन इज़ द ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो 329, 374 और 253 में से जो लोएस्ट कॉस्ट आ रही है वो ई की है। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पर लिखे हुए 118, 140 एंड 75। सही है, ये हमें ये भी गिवन है क्योंकि हम एक्चुअली हम ट्रेवल कर रहे होंगे फ्रॉम दिस नोड टू द नेक्स्ट नोड, लेकिन हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ को देख रहे हैं क्योंकि ग्रीडी सर्च है। तो हम पाथ जो फॉलो करेंगे दैट वुड बी फ्रॉम ए टू ई। सही है, नेक्स्ट हमारे पास ई से तीन रास्ते निकल रहे हैं, जी ए एंड एफ। यहाँ पर अगेन जी की हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ 193। ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ अगेन 366, यानी कि ई से हम वापस ए चले जाएँ। और एफ़ की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ 178। तो 193 और 178 में से स्मॉलेस्ट इज़ 178, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे एफ़ को, दैट इज़ 178। अगेन एफ से दो रास्ते निकल रहे हैं, ई और आई, यानी कि ई हम वापस चले जाएं या फिर आई गोल नोड पर चले जाएं, दैट इज़ 0। तो वी विल सिलेक्ट दिस आई। ठीक है, तो हमारे पास पाथ कॉज जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 75। अगर हम ह्यूरिस्टिक्स की निकालें तो दैट वुड बी 253, 178 एंड 0। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूरिस्टिक हमारे पास जो पाथ कॉस्ट आ रही है दैट इज़ 431, जो कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। और एक्चुअल डिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 140, 99 एंड 211, दैट इज़ 450। सही है, तो एस्टिमेट जो हमें दे रहा था दैट इज़ वो कम हमें एस्टिमेट दे रहा है, और जो एक्चुअल हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस वो ज़्यादा है। ठीक है, क्या ये हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा होगा? द आंसर इज़ नो, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं अगर ई से दो रास्ते निकल रहे थे, जी और एफ, जी का एक्चुअल डिस्टेंस अगर हम निकालें यूजिंग दिस पाथ यूजिंग जी, तो एक्चुअल डिस्टेंस इज़ 418, जबकि हमारे पास इसका एक्चुअल डिस्टेंस जो एफ़ से आ रहा है वो दैट इज़ 450। सही है, तो दोनों में देर इज़ अ वास्ट डिफरेंस, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्टिमल तो नहीं दे रहा हमें सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि कंप्लीट है भी या नहीं, हम पहले भी देख चुके हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च, हमने देखा था। दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर तो हमारा जो ह्यूरिस्टिक है वो हमें गलत एस्टिमेट देता है, सपोज़ के सी पर जो एस्टिमेट हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 250, लेकिन जो पहले एस्टिमेट था दैट दैट वाज 329, तो मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ 329 की जगह 250। सही है, तो मैं बी पर नहीं जाऊँगी, आई विल गो टूवर्ड्स ई पर नहीं जाऊँगी, सॉरी, आई विल गो टूवर्ड्स सी। ठीक है, तो यहाँ पर 253 था, यहाँ पर मुझे 250 मिल रहा है, तो मैं सी की तरफ जाऊँगी। अब अगर सी की तरफ जाते हैं तो सी से डी तक हमारे पास पाथ है, और डी से आगे कुछ नहीं है, इट इज़ अ डेड एंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जाके वो स्टक हो जाएगा एल्गोरिथम, और आगे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ नॉट कंप्लीट, तो कंप्लीट नहीं है तो ऑप्टिमल भी नहीं होगा ऑब्वियसली। बाकी टाइम और स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, तो दैट वुड बी बी की पावर एम। अगेन बी इज़ द ब्रांचिंग फैक्टर एंड एम इज़ द मैक्सिमम पाथ लेंथ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम, दैट इज़ इनफॉर्म सर्च का दूसरा एल्गोरिथम, ए स्टार सर्च। बेस्ट फर्स्ट या ग्रीडी सर्च हमने देख लिया। ए स्टार सर्च में हमारे पास एवेल्यूएशन फंक्शन गिवन होता है, दैट इज़ एफ ऑफ एन, जो कि बराबर होता है एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन। जी ऑफ एन इज़ द एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग टू द नोड टू द नेक्स्ट नोड, और उस नोड से गोल नोड पर जाने का जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन होगा वो तो हमारे पास गिवन होगा। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट को प्लस ह्यूरिस्टिक फंक्शन को, तो ये हमारा वैल्यूएशन फंक्शन होगा फॉर ए स्टार सर्च। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसका डेमो भी। सपोज़ मेरे पास वही ग्राफ गिवन है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए हमारे पास तीन रास्ते थे, सी ई एंड बी। जब हम ग्रीडी सर्च देख रहे थे तो हम सिर्फ उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ देख रहे थे सी ई और बी की। यहाँ पर हम एक्चुअली देख क्या रहे होंगे कि
ए से सी तक जाने का रास्ता दैट इज़ 118, और सी से जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है दैट इज़ 329। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर वो हमारा एवेल्यूएशन फंक्शन बन जाएगा सी का। इसी तरह ए से ई तक जाने का डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस जो है दैट इज़ 140, और ई से गोल नोड तक जाने की ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज़ 253, क्योंकि हमने आगे एक्सप्लोर नहीं करा है तो हमें एक्चुअल कॉस्ट तो नहीं पता। तो ई से हम एस्टिमेट ले लेंगे टेबल से, और ए से ई तक जाने की तो एक्चुअल कॉस्ट हमें पता होगी। दोनों को ऐड करेंगे दैट वुड बी आर ह्यूरिस्टिक फंक्शन, दैट वुड बी आर एवेल्यूएशन फंक्शन, सॉरी। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड, तीनों के यहाँ पर एवेल्यूएशन फंक्शंस बताए हुए हैं। ये वैल्यूएशन फंक्शन कहाँ से आए हैं? एडिंग 118 एंड सी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू दैट इज़ 329। सही है, तो हमारे पास आ जाएगा 447। इसी तरह से 140 प्लस 253 तो हमारे पास आ जाएगा 393। एंड सिमिलरली फॉर दिस 75 प्लस 374 तो हमारे पास आ जाएगा बी का। अब हम इन तीनों में से देखेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है, दैट इज़ 393, तो हम जैसे एक्सप्लोर करेंगे दैट वुड बी ई। ठीक है, तो ये सिर्फ ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर रहा होगा, एक्चुअल कॉस्ट को भी कर रहा होगा। ई सब तीन दो रास्ते हैं, जी एंड एफ। ई से जी जाने की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 140 प्लस 80। सही है, 140 प्लस 80, और जी से गोल नोड तक जाने की ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज़ 193। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 413। सही है, इसी तरह से ए से एफ तक जाने की एक्चुअल कॉस्ट इज़ 140 प्लस 99 प्लस एफ से ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज़ 178। तीनों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट वुड बी 417। सही, तो दोनों की वैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यूज़ आ गई हैं 413 एंड 417। नाउ द शॉर्टेस्ट वन इज़ 413, दैट इज़ जी। तो हम किसको एक्सप्लोर करेंगे अब? जी को। सही है, जी से एक ही रास्ता था एच का, तो ए से एच तक की एक्चुअल कॉस्ट इज़ 140 प्लस 80। तीनों को ऐड कर देंगे, 140, 80 एंड 97, और इसमें ऐड कर देंगे इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू एच की दैट इज़ 98। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 415, और कोई बात है नहीं जिससे हम कंपेयर करें, तो वी विल जस्ट गो फॉरवर्ड। एच से हमारे पास नेक्स्ट नोड इज़ दी गोल नोड जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज़ 0। एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी 140, 80, 97 एंड 101 प्लस आई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू दैट इज़ 0। तो एट द एंड जो हमारे पास एवेल्यूएशन फंक्शन आ रहा होगा दैट इज़ द एक्चुअल पाथ कॉस्ट। ठीक है, दैट इज़ 418। अच्छा, यही चीज़ अगर हम एट पजल के लिए देखें, पाथ टू द सॉल्यूशन वुड बी ए ई जी एच आई और पाथ कॉस्ट इज़ 418। यही चीज़ अगर हम एट पज़ल के लिए देखें तो एट पज़ल में हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस तो दिए हुए होंगे, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमें कहाँ से पता चलेगी? हम डेप्थ ऑफ द ट्री से हम निकाल सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट कितने लग रहे हैं हमें। सही है, तो जितना हम ट्री में नीचे जाते जाएंगे उतने ही हमें मूव्स लगेंगे, और जितने मूव्स रिक्वायर्ड होंगे या जितने हम स्टेप्स हमारे पास आ रहे होंगे हम उसको एक्चुअल कॉस्ट में काउंट करते जाएंगे। सही, तो इस केस में हमारे पास स्टेप कॉस्ट इज़ दी एक्चुअल कॉस्ट दैट इज़ 0 फॉर द स्टार्ट नोड। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। सही है, तो एस्टिमेट जो है दैट इज़ ह्यूरिस्टिक, तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे एक्चुअल कॉस्ट प्लस ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू, तो हमें गोल नोड मिल जाएगा दैट इज़ दिस। सही है, तो दिस इज़ योर टास्क के ह्यूरिस्टिक नंबर 2 दैट इज़ मैनहट्टन डिस्टेंस से हमें ए स्टार सर्च यूज़ करते हुए हमें प्री को एक्सपेंड करना है। तो दिस इज़ योर टास्क के स्टेट स्पेस बनाओ पहले, और फिर यूजिंग ह्यूरिस्टिक नंबर 2 ए स्टार सर्च से इसको एक्सपेंड करना।
अच्छा, क्या हमारा जो ए स्टार सर्च है वो कंप्लीट और ऑप्टिमल है? ये डिपेंड करता है कि अगर हमारा जो इवेल्युएशन फंक्शन है दैट इज़ एडमिसिबल. एडमिसिबल मींस, एडमिसिबल का वैसे तो मतलब होता है कि परमिसिबल हो, एक्सेप्टेबल हो, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक होता है वो कभी भी गोल नोड पर पहुँचने का जो एस्टिमेट होता है वो एस्टिमेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं करता, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं करता. एक्चुअल कॉस्ट से कम तो कर सकता है लेकिन एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं कर सकता. उसको ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकता. अंडर एस्टिमेट तो कर सकता है लेकिन ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकता द कॉस्ट टू रीच द गोल नोड. ठीक है, तो जो भी हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन होगा दैट इज़ एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक इफ़ एंड ओनली इफ़ वो ओवर एस्टिमेट ना करता एक्चुअल कॉस्ट को. अंडर एस्टिमेट कर सकता है लेकिन ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकता. ठीक है, अगर वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है तो दैट ह्यूरिस्टिक इज़ नॉट एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक. सही है, यानी कि अगर मैं हम 8 पज़ल की बात करें तो 8 पज़ल में अगर ह्यूरिस्टिक वैल्यू मुझे बता रही है 16, तो इसका मतलब है कि 16 मूव्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड होंगे टू रीच द गोल नोड. ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि क्या वो मनहत्तन डिस्टेंस जो है वो हमारा एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक है या नहीं है. लेकिन अगर 16 हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ रही है दैट मीन्स कि 16 मूव्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड होंगे टू रीच द गोल नोड. 16 से ज़्यादा, सही, तो एटलीस्ट 16 मूव्स हमें रिक्वायर्ड होंगे टू रीच द गोल नोड. 16 से ज़्यादा मूव्स भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 16 मूव्स हमें चाहिए होंगे. सिमिलरली फॉर द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, वहाँ पर हम जब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो वही वाली बात कि अगर हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का जो डिस्टेंस है मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कैलकुलेट कर लूँ तो दैट इज़ ऑलवेज़ लेस. जब मैं एक्चुअल ट्रैवल करूँगी तो वो हो सकता है कहीं घूम कर जाए लेकिन दिस इज़ द लीस्ट डिस्टेंस जो हमें रिक्वायर्ड होगा. कम अज़ कम इतना डिस्टेंस तो हमें ट्रैवल करना ही करना है. हो सकता है एक्चुअल डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो लेकिन एटलीस्ट इतना हमें करना ही करना है. तो ये हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज़ दी एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक. ठीक है, क्योंकि ये हम कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करेगा. जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका अंडर एस्टिमेट ही करेगा, उसको ओवर एस्टिमेट कभी नहीं करेगा. यानी कि एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है कि इस तरह की हो जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड हो. तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इट वुड ऑलवेज बी लेस देन दिस डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस है. तो हम कह सकते हैं इन दिस केस दिस ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज़ एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक. तो ए स्टार सर्च जो है वो ऑप्टिमल तब होगा जब हमारे पास ह्यूरिस्टिक्स की वैल्यू जो होंगी वो एडमिसिबल एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक होगा, यानी कि ह्यूरिस्टिक की वैल्यूज़ जो होंगी वो कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही होंगी. सही है, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ए से लेकर एफ तक का जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही थी दैट वॉज 418 जो हमने ए स्टार सर्च से सॉल्व करी थी. जो ह्यूरिस्टिक दे रहा है दैट इज़ 366. 418 से कम ही है, 418 से ज़्यादा नहीं है. ठीक है, सिमिलरली हम ई से जी देख लेते हैं. एच से लेकर आई तक, एच से गोल नोड तक हमें यहाँ पर 138 दे रहा है जबकि ऊपर वाले टेबल में जो लिखा हुआ था जो हमने यूज़ करता था दैट वॉज 98. ऊपर चेक कर सकते हो तुम लोग. सही है, तो एक्चुअल कॉस्ट एच से लेकर आई तक इज़ 101, ये 98 दे रहा तो उससे कम ही है. ठीक है, तो इन एनी केस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास ह्यूरिस्टिक की वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमेशा एक्चुअल कॉस्ट से कम आ रही हैं, एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं है. एफ़ से लेकर आई तक की इज़ एक्चुअल यहाँ पर 178 है, एक्चुअल कॉस्ट 211 है. तो 178 इज़ ऑलवेज़ इज़ लेस देन 211. तो हम कह सकते हैं कि दिस ह्यूरिस्टिक इज़ एडमिसिबल. अगर हम ऐसा करते हैं कि हम एच की वैल्यू को 98 की जगह 138 कर देते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट फॉर रीचिंग फ्रॉम एच टू आई इज़ 101 लेकिन हमें यहाँ पर ये ओवर एस्टिमेट कर रहा दैट इज़ 138. तो अब इस केस में हम कह सकते हैं कि ए स्टार सर्च जो है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगा. क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूरिस्टिक की वैल्यू जो है दैट इज़ नॉट एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक. सही है, ओवर एस्टिमेट कर रही है. सही है, वो किस तरह से होगा अगर हमारे पास सपोज़ हम इस ह्यूरिस्टिक की वैल्यू को चेंज करते हैं तो ए स्टार सर्च किस तरह काम करेगा? बेसिकली ए स्टार सर्च प्रायोरिटी क्यू बना रहा होता है बिल्कुल उसी तरह जैसे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हमारे पास प्रायोरिटी क्यू बन रही होती है. तो हमारे पास क्यू में 447, 393 और 449 ये तीन रास्ते हैं, तीन पाथ्स हैं. स्मॉलेस्ट इज़ 393 आफ्टर कैलकुलेटिंग ह्यूरिस्टिक वैल्यू एंड द एक्चुअल कॉस्ट 140 प्लस ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू दैट वॉज 253. ठीक है, तो हमारे पास आ गया था 393. वी विल फॉलो दिस पाथ.
ई से दो रास्ते हैं, जी और एफ, दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ यहाँ पर 140 प्लस 80 प्लस जी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऐड कर देंगे तीनों को 413, और यहाँ पर 140 प्लस 99 प्लस एफ़ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 417। ठीक है, तो अगेन हमारे पास क्यू में ये तीन पाथ्स हैं, 447, 413, 417, 449। फ्रंट ऑफ द क्यू पे हमारे पास जी होगा, दैट इज़ 413, तो हम जी को ही एक्सप्लोर करेंगे। जी से हमारे पास जो नेक्स्ट पाथ है दैट इज़ एच। हमने क्योंकि एच की ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेंज कर दी है 138, तो अब हमारे पास जो इसका इवेल्यूएशन फंक्शन है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा आ रही है, दैट इज़ 455। सही है, तो हमारे पास अगेन प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू में 447, 455, 417 एंड 449, सब में स्मॉलेस्ट इज़ 417। अब 455 पीछे चला जाएगा, आगे आ जाएगा 417। तो वी विल एक्सप्लोर दिस नोड, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग एच हम यहाँ पर आ जाएंगे एफ के ऊपर बैक ट्रैक करके। एफ के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारे पास नोड वुड बी दिस गोल नोट 450, 450 से भी कम आ रही है हमारे पास कॉस्ट बी की, दैट इज़ बी और सी की 447 और 449। तो हम फिर एक्सप्लोर करेंगे 447 को। सही है, तो 447 से हमारे पास आ गई 473, इसको छोड़ के हम एक्सप्लोर करेंगे बी को, दैट इज़ 449। प्रायोरिटी क्यों है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 473, 449, 455 एंड 450, इन सब में 449 है, तो हम एक्सप्लोर करेंगे बी को। बी के आगे कोई रास्ता नहीं है, तो यहीं पर हम स्टक हो जाएंगे और हमें गोल नोट भी नहीं मिलेगा। सही है, तो हम जो पाथ चूज़ करेंगे फॉर रीचिंग द गोल नोड, दैट वुड बी ए ई एफ आई, विच इज़ नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक्चुअल अगर हम कॉस निकालें तो जो एच वाली पाथ थी दैट वाज गिविंग अस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ए स्टार सर्च ऑप्टिमल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो ह्यूरिस्टिक था वो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक नहीं था। और क्यों, क्योंकि हमने जो ह्यूरिस्टिक की वैल्यू थी वो एच वाली ह्यूरिस्टिक की वैल्यू हमने चेंज करके 138 कर दी थी, जो कि ओवर एस्टिमेट हो रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने का, सिर्फ बताने का मकसद यही है कि हमारे पास अगर ह्यूरिस्टिक की वैल्यूज़ जो हैं वो ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही होंगी, एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक होंगे, तो फिर तो हमारा ए स्टार सर्च इज़ ऑप्टिमल। लेकिन जब हमारे पास ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल नहीं होंगे तो ए स्टार सर्च ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें नहीं देगा। सही है, और दूसरी चीज़ ये ज़रूर देख लेना कि हम यहाँ पर ए स्टार सर्च जब भी हम कर रहे होते हैं, पहले वाला जो एग्जांपल थी वहाँ पर हमारे पास यही पाथ स्मॉलेस्ट आ रही थी, तो हमने दूसरी पाथ्स को देखा ही नहीं था। लेकिन एक्चुअली जब हम ए स्टार सर्च सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम प्रायोरिटी क्यू बना रहे होते हैं, और प्रायोरिटी क्यू में हम हमेशा ये चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास सारी नोड्स में स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी आ रही है इवेल्यूएशन फंक्शन की। जिसकी स्मॉलेस्ट आती है वो फ्रंट ऑफ द क्यू में होता है और हम उसी को एक्सप्लोर करते हैं। अगर स्मॉलेस्ट नहीं होती है तो हम दूसरी नोड को करेंगे एक्सप्लोर। ठीक है, ये एक डेमो है एक विजुअल फॉर्म में, तो इस लिंक पर जाके तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। मुख्तलिफ सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं और उनको किस तरह से वो सॉल्व कर रहा है, ऑनलाइन ही जाकर देख सकते हैं सब। अच्छा, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जिससे पता चलेगा सर्चिंग एल्गोरिथम्स कैन बी सो मच डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। अभी तक तो हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स देख रहे थे, लेकिन जब हम AI की टर्म्स में बात करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, और प्रॉब्लम जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसका स्टेट स्पेस उतना ही बड़ा बनेगा, और वहाँ पर जो सर्चिंग होगी, सर्चिंग एल्गोरिथम जो हम यूज़ करेंगे वो मैटर कर रहा होगा कि वो हम कितनी कितने मूव्स में हम सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, और उसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो अगर हम चेकर्स की बात करें तो चेकर्स ने जो है 1994 में फ़र्स्ट कंप्यूटर प्लेयर आया था, और जिसने फर्स्ट कंप्यूटर चैम्पियन जिनोक एंडेड अ 40 ईयर रीन ऑफ ह्यूमन चैम्पियन मैरियन टिन्सली, जिसने हरा दिया था उसको। तो 2007 में हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर आ गया था जिसने चेकर्स को जो है वो पूरा सॉल्व कर दिया था। चेकर्स इज़ लेस कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू चेस। चेस में हमारे पास डीप ब्लू जिसने डिफीट किया था गैरी कास्पारोव को, 200 मिलियन पोजीशंस को एक्सप्लोर करता था इन वन सेकेंड।
सही है। तो इसमें हम और इसमें बेसिकली जो एल्गोरिथम था वो सिंपल जैसे स्टेट स्पेस हम बनाते हैं इस तरह से, स्टेट स्पेस पूरी बना के और हमने एक कंप्यूटर के अंदर फीड कर दी थी, और वहाँ से देखता था कि गोल नोड पर पहुँचने के लिए या उसको जीतने के लिए, विनिंग पोजीशन पर पहुँचने के लिए उसे कौन सी मूव्स यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो एक टाइम पे 40 प्लाई, एक्सटेंडिंग सम लाइंस ऑफ सर्च अप टू 40 प्लाई। 40 प्लाई मीन्स यानी कि एक दफ़ा एक मूव चलने के लिए उसको 40 प्लाइज मूव देखनी पड़ती थी। 40 प्लाई गेम्स में हम कहते हैं कि अगर कोई एक लेयर कंप्लीट करते, यानी कि एक प्लेयर ने भी अपनी मूव चली और दूसरे प्लेयर ने भी अपनी मूव चली, तो वो 1 प्लाई होगी। ठीक है, तो 40 प्लाई मीन्स कि वो एक मूव चलने के लिए 20 मूव्स आगे देखता था कि 20 मूव्स आगे जाकर के जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो उसके लिए कितनी फेवरेबल होगी, वो उससे जीतेगा या हारेगा। सही है, तो 20 मूव्स आगे जाने के लिए हमारे पास स्टेट स्पेस पूरा होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर मैं ये मूव चलता हूँ तो नेक्स्ट प्लेयर क्या चलेगा, और नेक्स्ट प्लेयर अगर ये चलता है तो फिर उसके बाद मुझे क्या चलना है। तो 20 मूव्स इस तरह करते 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 वो देखता था कि वो नेक्स्ट मूव उसे क्या चलनी चाहिए। सही है, तो इसी तरह गो इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू चेस। 2017 में अल्फा गो एक कंप्यूटर था जिसने वर्ल्ड चैम्पियन को हरा दिया था। ब्रांचिंग फैक्टर यहाँ पर जो स्टेट स्पेस का था दैट वाज ग्रेटर देन 300 फैक्टोरियल। सही है, अब ये 300 फैक्टोरियल कितना बड़ा नंबर है अभी हम आगे देखते हैं। यानी कि विद द टाइम हमारे पास प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स हो रही है और हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर्स भी उस तरह के चाहिए होंगे और एल्गोरिथम भी उससे सॉल्व करने के लिए हमें उसी तरह के चाहिए होंगे। जितनी स्टेट स्पेस बड़ी होगी उसको एक्सप्लोर करना उतना ही मुश्किल होगा। सही है, तो अगर हम गो की बात करें तो नंबर ऑफ पॉसिबल पोजिशंस जो गो की यानी कि स्टेट स्पेस में नंबर ऑफ स्टेट्स जो बन सकती हैं ये नंबर है, दिस इज़ वन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग हियर। सही है, तो यू कैन इमेजिन कि हमारे पास कितना बड़ा स्टेट स्पेस होगा फॉर दिस गेम। इट इज़ अ टाइप ऑफ चेस लेकिन उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उससे ज़्यादा मूव्स होती हैं गो में। तो 2017 में दे हैव डिफीटेड द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ गो, एल्फा गो ने हरा दिया था। तो आफ्टर इमेजिन के कितनी ज़्यादा स्टेट्स होंगी, ये पूरा एक नंबर है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रहा है, इतनी नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें बन रही होंगी, लीगल मूव्स जो इसमें बन रहे होंगे।